ओके सो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया था और हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा स्टार्टिंग लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम पहुंच चुके थे रदरफोर्ड मॉडल तक। रदरफोर्ड ने किस तरह का मॉडल प्रपोज करा था वो देख चुके थे, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। रदरफोर्ड के मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी। रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रपोज करा था वो उन्होंने गोल्ड फॉइल का जो फेमस एक्सपेरिमेंट है उसके बाद प्रपोज करा था, और उनके मॉडल में ऐसा था कि भाई सारे एटम का जो मास होता है और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो छोटे से सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। रदरफोर्ड ने उसे न्यूक्लियस बोला था। तो एक छोटा सा सेंटर होता है किसी भी एटम के अंदर जिसमें उसका लगभग लगभग सारा की सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, लगभग क्या सारे पॉजिटिव चार्ज वहां होता है और लगभग सारा मास वहां होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि सन के अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से इस न्यूक्लियस के अबाउट ये सारे पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन के अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब रिवॉल्व करते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है, इस टाइप का कुछ सिचुएशन होती है। अब इसमें ये बोल दिया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे अराउंड द न्यूक्लियस। सो मैक्सवेल ने एक थ्योरी प्रपोज कर दी थी उससे पहले। हम ईएमएफ चैप्टर देखेंगे, हम देखेंगे मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी। अकॉर्डिंग टू दैट अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करना चाहिए। वो ईएम वेव्स रेडिएट करेगा और कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। ये जो एनर्जी वो रेडिएट करेगा उसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कम होना चाहिए। अगर अपन प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऐसा अगर रेडियस के पाथ में घूम रहा है, किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इट इज मूविंग इन एक्सेलरेटिव पाथ, है ना। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेशन वाली मोशन होती है, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो ईएम वेव रेडिएट करता है, ऐसा मैक्सवेल की थ्योरी से पता चला था। तो यही आर्ग्यूमेंट दिया गया और पूछा गया रदरफोर्ड या जो भी इनकी थ्योरी समझा रहे थे उनसे कि यहाँ ऐसा हमें रेडिएशन दिखना चाहिए, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमें रेडिएशन मिलना चाहिए। तो रदरफोर्ड के जो भी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे थे उन्होंने बोला हाँ मिलते होंगे, क्योंकि हो सकता है शायद हो, है ना। फिर अगर रेडिएशन मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट हो रही है तो उसकी खुद की जो एनर्जी है वो कम होते जाना चाहिए। और एनर्जी कम करने के लिए जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के धीरे धीरे पास में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के धीरे धीरे पास में आना चाहिए। तो फिर ठीक है, शायद बोला शायद होता होगा। और अगर न्यूक्लियस के धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पास में आ रहा है तो उसकी रेडियस धीरे 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 कम हो जाएगी और स्पाइरल पाथ में चलते चलते न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए उससे। तो एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता इसका मतलब। फिर जितने अपन ने बात करी इससे तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन धीरे 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 करके रेडियस कम होगी और इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में टकरा जाएगा। तो एटम स्टेबल तो ही नहीं था, होना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा डाउट आ गया लोगों के दिमाग में, ये तो मतलब एटम स्टेबल कैसे है। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, और रेडिएट करेगा तो एटम तो स्टेबल ही नहीं हो सकता ऑफकोर्स। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये समझ नहीं आ रहा था उस समय। फिर एक और प्रॉब्लम आ गई, हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन गैस को, एक हाइड्रोजन को पहले एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करा, उसको थोड़ा हीटअप वगैरह करके, और हीटिंग के दौरान उसको ना एनर्जी भी मिल गई। और फिर हाइड्रोजन गैस से निकलने वाले ईएम वेव्स को, हाइड्रोजन गैस से निकलने वाले रेडिएशंस को स्टडी करा, तो पता चला कि हाइड्रोजन गैस से जो रेडिएशंस निकलता है उसकी क्या क्या वेवलेंथ होती है। तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन एटम्स से जब रेडिएशंस इमिट होता है तो वो रेडिएशंस है ना डिस्क्रीट वेवलेंथ का होता है, डिस्क्रीट वेवलेंथ की वहां पर वेव्स इमिट होती है। वहां ऐसा नहीं होता कि कोई सी भी वेव की वेवलेंथ आ जाए, वहां कुछ सर्टन वेवलेंथ ही इमिट होती है। और यहां हमको ऐसा कुछ कंडीशन दिख नहीं रही थी कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ भी रेडिएशन की वेवलेंथ वहां इमिट हो सकती है। पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें पता चला कि उससे जो वेवलेंथ इमिट होती है वो तो कुछ डिस्क्रीट टाइप की होती है, उनके सर्टन ग्रुप्स होते हैं जिनको अपन ने फिर लाइमन, बामर, पाशन, फर्न, बेकेट इस तरह की सीरीजेस का नाम दिया। तो वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का प्रॉपर्टी थी कि वेवलेंथ कोई भी रैंडम नहीं होती वहां पर, कुछ सर्टन वेवलेंथ ही इमिट होती है हाइड्रोजन गैस से। ये समझ नहीं आ रहा था यहाँ कि वेवलेंथ पे कंडीशन क्यों है, व्हाई देयर इज सम सर्टेन वेवलेंथ वही इमिट होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन गैस से जब लाइट निकलती है तो वही लाइट निकलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
तो रदरफोर्ड्स मॉडल कुछ चीजों को तो समझा रहा था कि भाई जिसे थॉमसन मॉडल फेल हुआ, फिर एटम का थोड़ा और बेटर मॉडल था ये, जिसे अल्फा पार्टिकल फिर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा था, पर इससे बहुत सारी चीजें और थी जो समझ नहीं आ रही थी। ये बात आप सबको क्लियर है? आपको समझ में आया कौन कौन सी चीज समझ नहीं आ रही थी, बताइए। यस सर। ओके, अच्छा बोर्ड वोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। हाँ वो मैं कर दूंगा श्रेयांश, है ना, वो मैं कर दूंगा श्रेयांश। चलिए, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा उसे लेट करा अपलोडिंग जो भी थी यूट्यूब पे, है ना, वो रीजंस मैं बोल सकता हूँ आपके सामने कि बच्चे बहुत क्लास अटेंड कम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यूट्यूब प्लेलिस्ट पे देख के ही मतलब उनका चल रहा है कि अपन बाद में देख लेंगे, तो ये चीज हम चाहते अवॉइड होना। तो मैंने सोचा कि जब तक कोई बच्चा मुझे दिखे कि भैया क्लास अब्सेंट हो रहा है, जैसे आप में से तो सभी क्लास में आते हो, जैसे श्रेयांश आप तो आते ही रहते हो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ना चाहिए। अच्छा अच्छा श्रेयांश, ठीक है चलो, तो फिर आपके लिए कर देंगे। फिर ऐसे एक दो बच्चों को और दिक्कत थी, छोटी मोटी जो भी दिक्कत है तो उनके लिए कर देंगे, पर बहुत ज्यादा देख रहे कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए चलिए आगे बढ़ते। फिर अब जो हमने जितनी बातें करी कि भाई न्यूक्लियस में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते टकरा जाना चाहिए, तो एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए। सेकंड, हाइड्रोजन का जो गैस की जो लाइट निकलती है, जो वहां से रेडिएशन निकलते हैं, उनकी वेवलेंथ कुछ डिस्क्रीट होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट समझा ही नहीं पा रहे थे रदरफोर्ड मॉडल से हम, तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ दूसरा मॉडल ढूंढना पड़ा। और लकीली कुछ थोड़े ही दिन बाद, रदरफोर्ड मॉडल के कुछ समय बाद ही बोहर ने अपना फेमस मॉडल दिया, जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। वो मॉडल जो था वो कुछ ड्रास्टिक उन्होंने चीजें अज्यूम करी, कुछ ड्रास्टिक नई चीजें अज्यूम करी, जिसके बेसिस पे वो अच्छे से सारी चीजों को समझा पाए। अब वो मॉडल क्या है वो अपन फिर देखते हैं, वो हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट मॉडल है ना, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते अपन बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज समवॉट सिमिलर टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू टेल यू इज एग्जैक्टली फ्रॉम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था बिल्कुल वही की वही मैं बोलने वाला हूं यहाँ पहला स्टेटमेंट, है ना, उसके बाद कुछ डिफरेंट चीजें भी होगी यहाँ पर, तो लिखना स्टार्ट करते ही अपन, अपने को इंपॉर्टेंट है हम लिखेंगे इसको, ठीक है, लिखिए लिखिए। सर ये बनाना है ऊपर वाला? ऊपर वाला क्या, कुछ नहीं, ठीक है, तो पिछली क्लास में हो चुका था। लिखिए नया बोहर एटॉमिक मॉडल में, लिखिए पहला पॉइंट, एटम एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंटर which contains almost all of mass of atom, which contains almost all of mass of atom and electrons revolve around it in circular orbits, due to electrostatic attractive force of nucleus, due to electrostatic attractive force of nucleus. So, atom में पहला जो पॉइंट यहां आपने लिखा है तो बोहर मॉडल में एग्जैक्टली वही लिखा है जो रदरफोर्ड ने बोला था, एग्जैक्टली सेम चीज मैंने कॉपी पेस्ट बोली है ना। तो ये जो डायग्राम था, आप ये बिल्कुल नया डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये सेम स्टेटमेंट बोल दिया बोहर ने भी।
और फर्क क्या है यहाँ पर, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स, अभी फर्क जो आएगा अभी तो बताया नहीं मैंने फर्क, इसके बाद बाद में फर्क बाद अगले स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है मान लीजिए किसी स्पीड v से सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है, और लेट अज्यूम कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेट अज्यूम कि और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेट अज्यूम कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वॉज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, दूसरा था ही नहीं, दूसरा दिखाता ही नहीं हुआ, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है mv स्क्वायर बाय r, अगर r रेडियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और ऐसा कहा गया कि न्यूक्लियस का जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, न्यूक्लियस पे अगर एटॉमिक नंबर z है तो न्यूक्लियस पे चार्ज होना चाहिए प्लस ze, अगर एटॉमिक नंबर z है तो न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस ze होना चाहिए। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा यहाँ पे वो लिख सकते k ze into e by r square, k ze into e by r square, ze न्यूक्लियस का चार्ज, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये k q1 q2 by r square मतलब इलेक्ट्रोसिटी का फोर्स लिखा है। और ये इधर मैंने जो अट्रैक्टिव फोर्स जो होना चाहिए था वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कर दिया, मास इनटू वी स्क्वायर बाय आर कर दिया, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन आ गई बाय फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बोहर, इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हैं, एक आर से देखो एक आर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये स्टेटमेंट, ये अपन को इक्वेशन मिल गई। आगे बढ़ते, अब आगे क्या बोला बोहर ने, अगला स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग था, वो बिल्कुल नया चीज थी। देखो इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टन रेडियसेस फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, And these orbits are stationary orbits. These orbits are stationary orbits. ये orbits stationary orbits होती है। यहां क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लिख लीजिए इसको भी, इन दिस ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। इन दिस ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट था, ये बहुत अजीब नई चीज कुछ बोली थी बोहर ने। हम क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से सोचे उस समय, हमको आपने तो ये सब पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए आपको इतना ज्यादा अजीब नहीं लग रहा होगा। पर आप सोचो कि ये ना, जो रदरफोर्ड मॉडल तक जिन्होंने पढ़ा है कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी रेडियस में घूम सकता है, उनको ऐसा बोलना कि नहीं ऐसा नहीं होता, किसी सर्टन रेडियस में घूमता है और वो रेडियस का ऐसा कुछ ऐसा रिलेशन होगा, एंगुलर मोमेंटम पे कुछ कंडीशन होती है और वो भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ नंबर होता है, एंड दैट नंबर कंटेन्स एच विच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट। बहुत अजीब सी नई कुछ रैंडम चीज बोल दी थी। और इन ऑर्बिट्स में एनर्जी रेडिएट भी नहीं करता इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सवेल की थ्योरी लगी नहीं रही इनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स पे मैक्सवेल की थ्योरी अप्लीकेबल नहीं हो रही है एक तरह से, इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट तो हो रहा है पर एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से नई चीज, अजीब चीज बोल दी थी। तो काफी लोगों को इस पॉइंट ने बहुत दिक्कत भी दी, लेकिन इसके बेसिस पे क्योंकि बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे चीजों को, इसलिए फिर इसे हमने एक्सेप्ट करा। चलिए, तो जो सेकंड पॉइंट आया हमारे पास, जिससे हमको ये इक्वेशन मिल जाती है कि एंगुलर मोमेंटम, एक चार्ज पार्टिकल मास है, वी स्पीड से घूम रहा हो आर रेडियस में, तो एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है एम वी आर। इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से हम कुछ एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो पहले वो बना लेते हैं, आगे भी और पॉइंट आएंगे अभी, पर पहले मैं इनसे कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूँ डिराइव करके, उसके बाद और एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे और एक्सप्रेशन चीजें देखेंगे।
तो देखो जरा मैं इनको अगर डिवाइड कर दूं, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, इनको डिवाइड कर देते हैं तो एम वी स्क्वायर और एक एम वी आर, तो ऊपर एक सिर्फ वी बचेगा यहाँ और नीचे एक आर बचेगा, यहाँ एक वी और यहाँ एक आर बचा, इधर डिवाइड करा तो के जेड ई स्क्वायर होल थिंग डिवाइड बाय नीचे आर के साथ ये एन एच बाय टू पाई और एक आर और लगा हुआ है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, है ना, ये इधर से आर और आर देखो कैंसिल हो रहा है, वहां भी डिनोमीटर में आ रहे हैं, यहाँ भी डिनोमीटर में आ रहे, वो कैंसिल हो रहा है, फिर ये टू पाई को ऊपर ले जाके लिख देता हूँ तो उसको अच्छे से लिखूंगा तो मेरे को v का एक्सप्रेशन मिल रहा है, v मिल जा रहा है मेरे पास ये टू पाई ऊपर लेके टू पाई के जेड स्क्वायर, टू पाई के जेड स्क्वायर और नीचे एनएच मिल रहा है। तो इसमें आप एक चीज और ध्यान से देखना कि z अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो सकता है, n जो अपने इंटीजर नंबर लिया था वो अलग अलग हो सकता है, तो नहीं अगर हम बाहर ले ले उसके अलावा सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, टू पाई के ई स्क्वायर बाय एच और बाहर मैंने z बाय n कर दिया, इस तरह से लिख दिया एक्सप्रेशन को। सो z कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, उनका जो न्यूक्लियस पे चार्ज हो सकता है वो अलग हो सकता है, इसलिए z अलग है, एन ऑर्बिट का नंबर बोल सकते हो आप इस चीज को, एन ये जो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई था तो क्या इंटीग्रल मल्टीपल है, ये एन अलग हो सकता है, उसके अलावा ये सारी चीज कांस्टेंट है, टू इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, के इज 9 इनटू 10 पावर 9 वो भी एक कांस्टेंट होता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्क्वायर कांस्टेंट है, नीचे एच प्लैंक कांस्टेंट, वो सब कांस्टेंट है, तो दिस ऑल जेड और एन पे डिपेंड करेगा, हाँ मतलब वी जेड और एन पे डिपेंड करेगा पर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में जाएंगे, अलग अलग ऑर्बिट में एन अलग हो जाएगा, अलग अलग एटम में जेड अलग होगा, पर डिफरेंट एटम में अलग अलग ऑर्बिट में जाने के अलावा ये जो नंबर है कांस्टेंट है, तो सबकी वैल्यू अगर रख दे, सबकी वैल्यू रख दे तो वी का एक हमको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन बन जाएगी, ये वैल्यू रखो तो आती सी बाय 137, सी स्पीड ऑफ लाइट बाय 137 इंटू जेड बाय एन, या फिर इसको 2.2 इंटू 10^5 या 10^6 ऐसा कुछ नंबर आ जाता है, क्या आता है याद है आपको, 10^5 आता है कि 6 आता है बताओ, c स्पीड ऑफ लाइट c बाय 137 z बाय n, तो बताओ जल्दी से, 7 आएगा शायद से, नहीं 5 ही आएगा, आप c की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो ना, c होता है 3 इंटू 10^8, उसको लिख सकते हो 3000 इंटू 10^5 और 3000 बाय 137 करके देखो क्या आएगा, नहीं 2.6 आएगा, 6 आएगा, 3000 क्यों, 300 इंटू 10^ नहीं सही सही 6 आएगा, 6 आएगा सही है, चलो 6 आएगा ये सही है 6 यस, तो ऐसे याद रख सकते हैं वेलोसिटी, हाँ 10^6 आएगा, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है, और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे याद रखना बच्चों की वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे जरूरत पड़ सकती है इसकी, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तो वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया, आगे बढ़ते अब ये वी का जो एक्सप्रेशन है देखो यहाँ रख दू तो रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं मैं, वी का एक्सप्रेशन पुट करके, तो वी की वैल्यू रखकर वी का ये एक्सप्रेशन पुट करके रेडियस निकाली जाती है तो आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में रोटेट कर रहा होगा उसकी इक्वेशन आ गई है, इसे भी थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर और इंटू एन स्क्वायर बाय जेड कर देते हैं, ये सब कॉन्स्टेंट से इनकी वैल्यू रख देते हैं हम, तो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ जाती है इसकी 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, 0.529 एंगस्ट्रॉम को हम ए नॉट भी बोल देते हैं, ए नॉट से रिप्रेजेंट भी करते हैं, वेयर दिस ए नॉट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसे हम बोल देते हैं बोहर कांस्टेंट या बोहर रेडियस, इसे हम बोल देते हैं बोहर रेडियस, बोहर रेडियस क्या चीज हो जाएगी, एन को 1 रखो जेड को 1 रखो तो रेडियस आ जाएगी ये, एन 1 रखा मतलब पहली ऑर्बिट, Z1 रखा मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट की रेडियस उसे बोलते हैं बोहर रेडियस,
ठीक है, तो ये नॉट वो हो जाता है। और अलग अलग ऑर्बिट में एन अलग अलग होगा तो एन की अलग अलग वैल्यू रखो, डिफरेंट एटम के लिए जेड अलग होगा जेड की वैल्यू अलग पुट करो, सो यू कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट ऑर्बिट इन डिफरेंट एटम्स। तो रेडियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला आ गया हमारे पास। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, सो वेलोसिटी और रेडियस का निकाला मैंने फॉर्मूला। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड होगा कुछ, टाइम पीरियड लिखा जा सकता है 2πr/v, उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी होगी कुछ 1/ टाइम पीरियड होगा, उसके घूमने की कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे हम लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2πf, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट कर रहा है एक ऑर्बिट में तो उस ऑर्बिट में करंट दिखेगा हमको, इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, कितना करंट दिखेगा भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, टाइम पीरियड टी में वो रोटेट कर रहा है तो करंट को लिख सकता हूँ चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में करंट है ना, तो उस ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा मुझे, मैग्नेटिक मोमेंट वो लिख सकते हैं आई इंटू एरिया ऑफ द ऑर्बिट, अभी पढ़ा है आप लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट, यस सर, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में घूम रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे करंट है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या फॉर्मूला होता है? μ0I/2r। सो यू कैन पुट द ऑब्टेंड r एंड v, ये जो r और v मिले हमको यहाँ पर, ये रहा r और ये रहा v, ये रखकर तुम टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी करंट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और भी कुछ पूछा जाए तो बना सकते हो, कर सकते कि नहीं बताओ? यस सर। है ना, तो करिए फिर, निकालिए सारे फॉर्मूले क्या आएंगे, बस ये सब वैल्यू पुट करना है, ये रेडियस का फॉर्मूला पुट करना है, वेलोसिटी पुट करना है, निकालो बताओ क्या आएंगे, एक कोई बताओ मुझे, तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ, मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ, बाकी सब बाद में आप होमवर्क में करना, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की पूरी वैल्यू निकालो, करंट की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, क्या आएगी बताओ, करिए ट्राई, बताइए जल्दी से। और ई कहाँ से आएगा? ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो कांस्टेंट होता है, yes, sir. है ना, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू ऑल नो व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, करिए ट्राई। एनी आंसर, किसी का कुछ आया, किसी का कुछ आंसर आया इसका? यस सर। क्या है बताओ सर? ई इंटू 2.2 इंटू 10^6। 2.2 क्यों रखा, मतलब ये नंबर थोड़ी रखोगे, ये एक्सप्रेशन रखो, है ना, ये एक्सप्रेशन रेडियस का रखो और ये वेलोसिटी का रखो जनरल, ठीक है। देखो मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि शायद ये आता है, एक बार चेक कर लो, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये आता है क्या, आप प्लीज चेक करो एक बार। ओके त्रिलोक, गुड। नहीं श्रियांश, आपको ना नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखना है, आपको ये एक्सप्रेशंस रखना है,
न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, जनरल एक्सप्रेशन रख के पहले जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके सही त्रिलोक, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी देखिए ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। हाँ ये बिल्कुल सही है, यही आता है। तो आप अगर ध्यान से देखो कि क्या है यहाँ पर एक्सप्रेशन, ये तो एक कांस्टेंट एंड इंटीजर टाइम, ये सब कांस्टेंट है। देखो ई कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, 4πm मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, वो कांस्टेंट है। तो ये सब चीजें कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई एच बाय 4πm आ रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है ऐसा? बिकॉज जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ना, वो आएगा उसका चार्ज बाय 2 टाइम मास इंटू उसका एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट इज चार्ज बाय 2 टाइम मास इंटू एंगुलर मोमेंटम, ऐसा आ जाएगा। अब करके देखना, ऐसे ही आता है हमेशा। कोई भी चार्ज क्यू किसी रेडियस में घूमे, उसका एंगुलर मोमेंटम मान लीजिए एल है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा यही आएगा, है ना। ये ईएमआई एमएससी चैप्टर के एंड में आपको बता दिया जाता है, तो ये आप याद रख सकते हो। मैंने इसी फॉर्मूले से एल को बस लिख दिया मैंने, ये एनएच बाय 2π, एंगुलर मोमेंटम एनएच बाय 2π होता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे, तो मैंने एल को एनएच बाय 2π रखा, इससे फॉर्मूला बन गया। अब जो ऊपर फॉर्मूला बन गया उसको भी देखो, तो एन के अलावा सब कॉन्स्टेंट है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट जो है उसको रख दो, ई एच 4πm को रख दो, जो वैल्यू बनती ना उसको कहते हैं 1 बोहर मैग्नेट्रॉन। This EH upon 4πm. This is value of 1 बोहर magneton, BM. 1 बोहर magneton. बोहर magneton word सुना है आपने? बोहर magneton. BM या बोहर magneton use करा जाता है to measure magnetic moment, atomic magnetic moment. Atoms में electron के revolve करने से जो magnetic moment बनेगा वो निकालने के लिए measure करा जाता है बोहर magneton. Use करा जाता है बोहर magneton. Yes, म्यू वगैरह से रिप्रेजेंट करते, बिल्कुल सही। चलिए सर, ये e by 2m l कैसे हुआ सर, ये पता ही सर एक बार, ये कैसे हो गया? Yes. अच्छा, आप एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी r रेडियस में घूम रहा है तो उसमें करंट निकाल सकते हो सर, ये इसको क्यों लिख देना, है ना, ये इससे करके देखो और क्या, ये करंट को ये लिख देना, है ना, फिर मैग्नेटिक मोमेंट लिखना, और अब कन्वर्ट करने की कोशिश करना मास वगैरह रखकर, तो वो बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम के टर्म में आ जाएगी इक्वेशन में। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, इतना बोल ही रहा हूं तो मेरे देखो I इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखी, I को लिखा मैंने चार्ज, I को लिखा मैंने चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को लिख सकता हूँ 2πr/v, सो एक पाई से पाई गया तो आ गया q/2, ऊपर एक बचा मेरे पास आर इंटू वी, ऊपर एक मास मल्टीप्लाई करो, नीचे एक मास मल्टीप्लाई करो, और एमबीआर को लिख दिया मैंने एल, समझे। मैंने आई की वैल्यू रखी ई बाई टी, और फिर टाइम पीरियड की वैल्यू रख दी 2πr/v, तो उसे सॉल्व करके ये आ गया मेरे पास, ऊपर नीचे एम मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर के एमबीआर को एल लिख दिया मैंने, और ये आ गया चार्ज बाय 2 टाइम मास। दिखा? यस सर, दिख गया। है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए, इससे बेस्ट अभी जितनी थ्योरी पढ़ी ना, इसपे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, आप ट्राई करिए, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, लिखो। सपोज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल आर डबल ऑफ देयर वैल्यूज, ऑल आर डबल ऑफ देयर वैल्यूज इन अवर यूनिवर्स। सपोज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल आर डबल ऑफ देयर वैल्यूज इन अवर यूनिवर्स, इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। तो आपको दिया है मैंने इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स,
द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल आर डबल ऑफ देयर वैल्यूज इन अवर यूनिवर्स. देन फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एटम. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एटम इन द हाइपोथेटिकल यूनिवर्स टू अवर यूनिवर्स. रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एटम इन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स टू अवर यूनिवर्स. जो मैंने बोला ना, एक यूनिवर्स में डबल डबल हो गया है, वहां पर अब फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बाय हमारे यूनिवर्स में जो फील्ड की वैल्यू है, इसका रेशियो क्या होगा बताइए. और थोड़ा लिख कर अच्छे से करना इसका आंसर, सभी बच्चे पहली बार में गलत निकालते हैं, उसको ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं करना. टेक प्रॉपरली लिखो, एक्सप्रेशन निकालो बी का क्या आएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिए. करो जल्दी से, मैं आपको दे रहा हूं 2-3 मिनट, आप जल्दी से अटेम्प्ट करिए इसको. सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डबल ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये 3 चीज डबल करिए, बिल्कुल सही.